जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज किधर आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। फिलहाल अभी मैं आया हूँ एक गांव में, जो गांव मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कनाड़ी गांव है, और वहाँ पर किसान भाइयों से रिलेटेड आपको एक आज जानकारी दे रहा हूँ। मंडी भाव का वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन वीडियो है जिसको छड़ा या छड़ समथिंग कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्या है क्या नहीं है, किस बुजुर्ग भी है उनसे हम पूछेंगे कि आखिर ये क्यों मनाते हैं, क्या कारण है, क्या रीजन है। ये जो छड़ा करके जो त्यौहार मनाया जाता है गोवर्धन पूजा के दिन, तो हमारे साथ एक दादा है, वो हमको बताएंगे आखिर क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, क्या करते हैं। दादा आपका नाम बताइए। घासीराम। घासीराम जी आपका यहाँ गांव का नाम बता दीजिए। कनाड़। ये जो ये छड़ा करके जो आप एक ये त्यौहार टाइप मना रहे हैं, ये क्यों मनाते हैं और कब से मनाते हैं और क्या कारण है? ये बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है, और ये दिवाली हमारे राम जी के वक्त से चली आ रही है, और देवनारायण भगवान मिट्टीकोट में गुजर के हिसाब से बड़ा देव के नाम से, बड़ा देव के नाम, हाँ बड़ा देव के नाम से, ये उधर धर्म के नाम से चला रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये देवनारायण भगवान का छड़ा है, हर आदमी को गाना और बजाता है, और डूंगर से गाए देवनारायण भगवान जाके लाया, गाय उनसे मीठा वचन से बोल के माता चलो तुम हमारे महुआ माँ बसे लाया महुआ से। अच्छा अच्छा। उससे दिया परंपरा इसकी छड़ा की चली आ रही, मतलब काफी लंबे समय से। ये गोवर्धन पूजारी जब आखिरी में छड़ा से गाय उलाड़ी के देवनाथ ने की भाई मत उसे उलाड़ियो, क्या करते वो सती होने लगी, तो देवनाथ ने की तेरा नाम हूँ अमर कर दूंगा, तो ये ऊपर फेंक के तो किसान भाइयों ये जो परंपरा है कैसे क्या होती है बाकी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। एक बार हम लोग जय जवान जय किसान बोलेंगे। जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। फिलहाल थोड़ी देर में और चालू होने वाला, क्या प्रोसेस होती क्या होता है वो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो थोड़ी देर में चालू होने वाला है पूरी प्रोसेस, इसकी मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, हो क्या रहा है क्या होने वाला है। ये मंडी का भाव का वीडियो नहीं है, ये कहने की कुछ परंपरा उस परंपरा का वीडियो बना रहा हूँ। परंपरा है आपके सामने रहेगी और मस्ती करेंगे सारे लोग। अच्छा अच्छा। तो कहने की गाय देखिए आप आ रही, कहने की गाय बताइए। और जो किसान भाई महाराष्ट्र के हैं, जो किसान भाई यूपी के हैं, बिहार के, उत्तर प्रदेश के हैं, या तमाम अलग अलग जगह से जहां से आप देखते हैं, कर्नाटक से देखते हैं, तमिलनाडु से देखते हैं, महाराष्ट्र से देखते हैं, मध्य प्रदेश के तो देखते ही किसान भाई अपना इस चैनल, आपके वहाँ इस तरह से कौन सी क्या प्रथा या किस तरह की कोई चीज़ें होती है तो कमेंट्स करके जरूर बताइए। और ये जो चीज़ें बताई क्या ये आपके वहाँ होती है या नहीं होती, ये भी जरूर करके कमेंट्स करके बताइए। वीडियो थोड़ा सा अलग था क्योंकि किसान भाइयों के रिलेटेड हम वीडियो बनाते हैं, उनके लिए भाव लेके आते हैं, तो ये प्रथा भी किसान भाइयों से रिलेटेड है, इसलिए कहीं ना कहीं अपने इस चैनल पर मैंने इस चीज़ को भी डाला। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। फिलहाल ये तीसरी जगह है, बाकी गाँव के भाई लोग मिले, ये हर साल होता है, ये वाला हर साल होता है। जय जवान जय किसान। पूरा एंजॉय कर रहे हैं, पूरी पब्लिक कहने के ऊपर भी देखिए, ऊपर से भी आपको देखने को मिल रहा होगा इधर से।
क्योंकि पूरा कहीं ना कहीं से आ रही है। तो ये यही के किसान भाई थे जो कि हम